अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? वेलकम हो गया आप लोगों का। किस में बनाऊँ ये सोच रही हूँ, आसिफा कुक लुक में कि शफीक आसिफा व्लॉग में। खैर वैसे तो मैं आज कर रही हूँ मेरी बहन को मेकअप। मेहता पापा यहाँ बैठी है। मेहता पापा कैसी फील हो रही है तुझे आज? मैं अच्छा वाला तैयार करूंगी। एक बार तैयार किया था मैंने, वो ठीक ठाक था। आज देखते आज मेकअप कैसा होगा मेहता पापा का। तो ये हमारी आज की साइडर मॉडल, हमारी सबकी मॉडल है पपीता की मुगी। दिखाऊं तुम्हारे को? ये मेरा पिटारा खुल गया है मेकअप का। मैं तब तो ड्रेस चेंज कर और थोड़ा मैं तब की मैं एक दो रील भी बनाऊंगी, फिर फटाफट हम रेडी होंगे। क्या बोल रहे हो? यस, आसिफा टुडे इज मेकअप इज सूखा पपीता। अस्सलाम वालेकुम, टुडे इज मेक ओवर बाय आसिफा सूखा पपीता एंड मेहताब पपीता एंड दीदी सूखा पपीता। आर यू मोटा पपीता, पेटला पपीता? यू नॉट खरबूजा, यू आर डायरेक्ट, यू आर डायरेक्ट, यू आर डायरेक्ट कद्दू बड़ा। यू नाम दूजा, आई एम खरबूजा। यू आर डायरेक्ट बड़ा कद्दू। टू सिस्टर इज बबीता, ही इज कॉल्ड सूखा पपीता। सम पर्सन इज वेरी बुद्धू बट ही लुक लाइक अ बड़ा वाला कद्दू। ओ वाओ, बोलो लोगे? तो मैं लगा रही हूँ डॉक्टर रेशल का मॉइस्चराइजर और फेस मैंने अच्छे से अभी मैं लगा रही हूँ मेरा सबसे फेवरेट इनसाइड का मिनिमाइज पोर वाला प्राइमर। तो चलिए यूज करते हैं। अभी थोड़ा क्रीमी टाइप है। अभी मैं आई मेकअप शुरू कर रही हूँ, वो मैं पहले आई मेकअप पर ही करूंगी। हाँ, मैंने फेस को मॉइस्चराइज किया है ताकि फेस अच्छा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इसका फेस मेरी बहन का बहुत ड्राई था। तो पहला हम आई मेकअप अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद हम फेस का करेंगे। तो पहला प्राइमर हमने लगा दिया, फिर आईब्रोज बनाएंगे। वैसे मेरी बहन की आईब्रो मेरे से बेहतर है। तो आईब्रोज हुई है हमारे, हम थोड़ा उसको कंसील करेंगे और साथ ही साथ आईज पे भी कंसीलर लगा रही हूँ मैं। और ये पिंकिश वाइट है, आप लोग देख सकते हो। अभी मैं ले रही थोड़ा सा लूज पाउडर, ले लिया है इनसाइड का बनाना लूज पाउडर। फिर हम ले रहे हैं हमारा मिरर, मिरर मेरा सबसे फेवरेट पैलेट आज शेड। हम लगाएंगे ऊपर पहले लाइट शेड और फेस के हिसाब से सपने में देखी थी। तभी मैंने मेरा छोटा वाला लिया, क्योंकि छोटे वाले में इसके ड्रेस का शेड है मेरे पास। मेरे छोटे पैलेट में से मैं ले रही हूँ लाइट पिंक वाले। हम इसको हल्का डस्ट करेंगे, हमें लाइट शेड ऊपर लगाना है ट्रांसपेरेंट टाइप। जिससे स्टार्ट करो
कलर करेक्टर और अभी मैं क्रीज लाइन बनाऊंगी इससे। और ये मैंने कुछ बाय किया था 1600 का ऐसा कुछ। इनसाइड का लूज कॉलर अभी मैं लगा रही हूँ लाइनर। हमारी जो केका सबसे बेस्ट लगाने में भी अच्छा है और मुझे पसंद भी है। मैं भी लगा रही हूँ SKR फैशन की लैशेस, मेरी फेवरेट वाली। मैं ले रही हूँ हेयर एक्सटेंशन ग्लू और ये लैशेस ग्लू है, तो चलिए लगाते हैं। जब तक लैशेस सूख रही हैं, जब तक हम चलिए थोड़ा सा फेस वापस से क्लीन करेंगे, क्योंकि अभी शेड्स वगैरह गिरे होंगे। तो मैं लगा रही हूँ शुगर का क्लीनर। शुगर के क्लीनर से मैं फेस क्लीन कर रही हूँ जो एडवांस मेकअप वगैरह लगा हुआ है। फिर से हम एक बार मॉइस्चराइज करेंगे फेस को। अब देखो यहाँ पे दिखा नजदीक करके थोड़ा फेस और लैशेस। हाँ, अभी जब अच्छे मेकअप लगेगा और अच्छी लगेगी पूरे फेस बेस के साथ। मैं आज लगा रही हूँ द फैशन फैक्ट्री का फेस सीरम प्राइमर ऑयल। तो ये प्राइमर ऑयल भी है और इसमें सीरम भी है, तो मुझे मतलब मॉइस्चराइज ज्यादा फेस करने की जरूरत ही नहीं और लोग ऐसे ही हो जाएगा, और प्राइमर की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ब्राउन कलर का मारी जो के का भी लिक्विड कंसीलर लगाया है, क्योंकि फेस पे हल्के व्हाइट धब्बे टाइप के हैं। धब्बे नहीं मतलब कैसा, मेरी बहन को वो है, मतलब पता है तुझे फुल बर्थ मार्क बोलते हैं ना, वैसा समझ लो। तो उसको छुपाने के लिए मैंने इस पे ये कलर लगाया।
तो ये पूरा हाइड हो जाएगा, फिर हम इस पे फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। तो मैं अभी आपको थोड़ा दूर से दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा फोन चार्ज हो रहा है। मैंने तीन टाइप का फाउंडेशन मिक्स किया है। शेड के लिए मैंने लिया है सुपर स्टे का डस्की शेड, और थोड़ा सा नार्स का जो मैंने लाइट शेड अभी लाया है वो मैंने मिक्स किया है, और हमारी जो केम है मेरे पास येलो कलर का, येलो मतलब ऐसी टोन के लिए हल्का लाइट ग्रीन शेड, तो वो ले लिया मैंने। और हम स्टार्ट करेंगे अभी फाउंडेशन अप्लाई करना, पहला माथे से, ठीक है। देखिए फेस टोन हो गया प्रॉपर, बनाना पड़ता है आपको माथा। देखिए अभी आपको इसमें शायद डार्क दिखे क्योंकि मेरा फोन का थोड़ा कलर अलग है इसीलिए, बट यहाँ मुझे पॉकेट दिखा है। कभी भी ना लंबा लंबा खींच के या ज्यादा अप्लाई मत कीजिएगा, हमेशा याद रखिए। ऊपर ये हो जाएगा ना, उसके बाद सुझा मेरे को दूसरे में पकड़ूंगी। और प्लीज कान का एरिया वगैरह ये सब आप लोग छोड़िएगा नहीं, सबको एक परफेक्ट कीजिएगा, नहीं तो मालूम पड़ेगा कान अलग दिखेगा फेस अलग दिखेगा। और मैंने एकदम स्किन टोन बनाया है, स्किन से बिल्कुल भी लाइट नहीं रखा है मैंने, कि बहुत ज्यादा फेयर लगे या ऐसा लगे कि मेकअप हुआ है फेस पे। तो कभी भी मेकअप करो ना आप लोग तो अपने फेस टोन के हिसाब से ही फाउंडेशन लो, और अगर नहीं है आपके पास अलग अलग टोन के फाउंडेशन है तो आप बना सकते हो, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि आपको बनाना कैसे। और प्यार से देखिए मैं कर रही हूँ, ठीक है, मैं डैप डैप करके कर रही हूँ, मैं कोई रगड़ नहीं रही हूँ। ऐसे ऐसा रगड़िएगा, ऐसे ऐसे मत रगड़िएगा, उससे खराब होता है। देखिए अलग हो गया, अभी हम नेक को भी वैसे ही कवर करेंगे बचे हुए हमारे फाउंडेशन से, ठीक है। वैसे ऐसे फेस वालों को कंट्रोल की जरूरत नहीं होती अक्सर, बट फिर भी हम हल्का करेंगे। हमारा इनसाइड एचडी का लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, फ्लॉलेस मैट फिनिश लुक है ये, तो मुझे इसका शेड नंबर 11 है लाइट, ठीक है। तो ये येलो नहीं है बट थोड़ा सा येलो टोन टाइप है, तो हम इससे सेट करेंगे। मेकअप कर रहे हो तो आप हंसना नहीं या बोलना नहीं तो जो रिंकल्स लाइन है ना आपकी स्माइल सी रह जाएगी और उसी पे आपके लग जाएगा मेकअप बस। व्हाइट काजल, और अभी आपके नीचे का मेकअप करने के बाद जब मैं कंट्रोल वगैरह करूंगी तब आप लोग को दिखाऊंगी, जब तक थोड़ा सा फोन चार्ज भी हो जाएगा। बाकी का तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। अरे पेपर भी इजराइल होता है। आंखें नजर नहीं आ रही, इसकी छोटी छोटी सी आंखें। तो खैर फाइनली हमारा आई मेकअप हो गया, हम करेंगे कंट्रोल। कंट्रोल के लिए मैंने लिया है फेस पेंट का मेरा 6 कलर वाला हाइलाइटर एंड कंट्रोल पैलेट, तो मैं लगा रही हूँ डार्क ब्राउन। मेकअप वो पाउडर बनाओ ऐसा, मैं ज्यादा नहीं लगाना क्योंकि इसका चेहरा ऐसे भी थोड़ा ब्राइट टाइप है। छोटे छोटे फेस है, छोटे छोटे फेस पे क्या कंट्रोल करना है, पर फिर भी मैं हल्का दे रही हूँ। एंजल रोज का
ब्रश है, दो शेड मिक्स करके लगा रही हूँ। मेरा पता वैसा वाला फेस है जैसा लोग का होता है ना, पाकिस्तानी वाला जो यहाँ नाक पे से पूरा ब्लशर वाला लुक करते हैं, पिंकी पिंकी वैसा। क्या मस्त नींद आती सब बरस बरस लाइटर ब्लशर। मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का हाइलाइटर और ये मुझे कुछ 250 का आया है, बट शेड बहुत अच्छा है और ये हाइलाइटर नंबर 1 है। ठीक है, बहुत ही अच्छा शेड है और लगने में बहुत ही सॉफ्ट लुक देता है, देख सकते हो आप। और ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी ब्रश यूज कर सकते हो अपने फेस पे जिससे आपको जमे। जरूरी नहीं है कि हाइलाइटर के लिए आप हाइलाइटर ब्रश ही लो। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैंने आप लोगों के लिए वो भी यूज कर दिया। ठीक है, आपके ऊपर, आपको जो जमे आप वो यूज करो। ये मैंने मेरी बहन को पूरा रेडी कर दिया है। अभी लिपस्टिक के बिना मेकअप अधूरा होता है हमेशा, थोड़ा सा फेस ऊपर कर, क्योंकि थोड़ा मेरे फोन में ना थोड़ा मतलब लाइट कम आ रहा है, लेकिन आप लोग देख सकते हो, कोई नहीं भी जानवाएंगे ना तो उनके फोन में मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि घर में थोड़ा लाइटनिंग कम है, लेकिन फेस बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। लिपस्टिक के बाद में और अच्छा दिखेगा, परफेक्ट। अभी हम लोग करेंगे पहला हेयर, हेयर के बाद में हम बाकी का करेंगे। तो अभी मैं कर रही हूँ कर्ल्स मेहता पापा के हेयर का, दिखा दिए। हाँ। अरे वाह, कल करके रखे थे बाल पे जैसे। आज जैसे भी शादी लास्ट एंजॉय कर लो, बाकी की शादी और बाकी है बाद में। अभी तो बहुत सारी शादियों की बात है, पर अभी मेहता पापा कुछ भरोसा नहीं है। अरे वाह मस्त है, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा। तो ये मैंने पीछे से मेहतापा का हेयर इस तरीके से बनाया है आज फिलहाल, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है और मुझे भी रेडी होना है शादी के लिए। तो मेहताप आगे और अभी थोड़ा लिपस्टिक बाकी है, लिपस्टिक के बाद ही लुक आएगा। तो ये मैंने तैयार कर दिया मेहतापा को पूरा। कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताइएगा, बहुत अच्छी लग रही है। पीछे घूम जरा थोड़ा, और ये मैं भी रेडी हो गई। हेयर मैंने जल्दी जल्दी में बनाया एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों को लेट हो रहा है बहुत, इसलिए मैंने फटाफट हेयर कर दिया था। और थोड़ा सा इसका हेयर सिल्की है तो आगे से थोड़ा हल्का कफ खराब हुआ, लेकिन चलो खैर कोई नहीं। मेकअप वगैरह तो मैंने किया अपने हिसाब से, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।